दूर दोस्त थे, लंगोटिया यार थे, जैसे दांत काटी रोटी। संग उठते संग बैठते, जहाँ जाते संग संग जाते। एक का नाम था फसाता सिंह, दूसरे का नाम था छुटाता सिंह। लेकिन फसाता सिंह के जिम्मे कमाना था और छुटाता सिंह के जिम्मे खाना। एक बात, दोनों साथ साथ व्यापार करने चले। जाते जाते दोनों चतुरपुर पहुँचे। चतुरपुर की सीमा के निकट सराय में दोनों ने डेरा डाला। छुटाता सिंह बोला, दोस्त फसाता सिंह, मैं तो यही पड़ा रहूंगा, मौज की छानूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा, तुम अपना व्यापार संभालो। फसाता सिंह अपने घोड़े पर सवार हो चतुरपुर नगर में व्यापार की खोज में चला। एक थैली में उसने 1000 अशरफियां डाली और थैली घोड़े के जीन के साथ बांध दी। नगर में घूम रहा था कि एक ने पूछा, क्यों भाई? घोड़ा बिकाऊ है। फसाता सिंह बोला, बिकाऊ तो है पर कीमत ज्यादा है, तुम चुका नहीं पाओगे। कौन सा धंधा रोजगार करते हो? वह बोला, मेरा नाम कल्लन कसाई है, बकरियां काटता हूँ, गोश्त बेचता हूँ। पर आपको इससे क्या? घोड़े की कीमत बताए, मेरे वश का होगा ले लूंगा, नहीं तो आपका घोड़ा आपके पास। टट कीजिए, आगे बढ़ जाए। फसाता सिंह बोला, मेरे घोड़े की कीमत है 500 अशरफियां। कल्लन बोला, यूं तो अच्छे से अच्छा अरबी घोड़ा भी 100 अशरफियों में आ जाता है, पर आपके घोड़े के लिए 500 अशरफियां गिन दी। फसाता सिंह घोड़े से उतर गया, लेकिन जब जीन से अशरफियों की थैली खोलने लगा तो कल्लन बोला, यह जीन से क्या खोल रहे हो भाई? अपनी अशरफियों की थैली निकाल रहा हूँ। बस बस, चमड़े के हाथ दमड़ी की बात जरा पर ही रखना। मियां, घोड़ा बिक चुका है और बिकते समय यह शर्त तय नहीं हुई थी कि घोड़े पर से सामान उतार लिया जाएगा। और कल्लन ने घोड़े की लगाम खींच ली, घोड़ा लेकर वह चला गया। फसाता सिंह चिल्लाया, लानत है इस नगर को, व्यापार में भी जबरदस्ती और धोखेबाजी चलती है। कल्लन चिल्लाया, मियां यह चतुरपुर है, चतुरपुर, चतुरपुर की हर चीज में चतुराई चलती है। फसाता सिंह अपना सब मूल्य सराय लौटा तो छुटाता सिंह ने पूछा, माता पिता को श्रीखंड साल लाल दुशाला लगे तो बरसों हो गए, अब किसका मातम मना रहे हो? फसाता सिंह ने सारी कहानी बताई और कहा, भाई छुटाता सिंह, गांठ की जमा पूंजी गंवा बैठा हूँ, अब भला क्या व्यापार करूँगा इस चतुरपुर में, चल भैया किसी और नगर में चलें। सियार के भौंकने से गांव नहीं छोड़ा जाता। छुटाता सिंह बोला, खैर तुमने व्यापार करके वर्षा तक मुझे चुपड़ी खिलाई है, अब मुझे 25 अशरफियां दे दो, मैं व्यापार करूंगा। फसाता सिंह बोला, जब तुम्हें व्यापार करना ही है तो ये 500 अशरफियां ले जाओ, 25 अशरफियों से क्या व्यापार करोगे? 500 अशरफियों से व्यापार फसाता सिंह ही कर सकते हैं, छुटाता सिंह के लिए तो 25 ही अशरफियां बहुत हैं। 25 अशरफियां पल्ले बांध छुटाता सिंह चतुरपुर नगर की ओर चला। नगर में पहुंच छुटाता सिंह सीधा कल्लन कसाई के पास पहुंचा। कल्लन दुकान पर बैठा कीमा बना रहा था। दुकान में बकरियों के 4-5 सिर टंगे हुए थे। दुकान की ऊपरी मंजिल में कल्लन के बाल बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे। छुटाता सिंह ने पूछा, कल्लन मियां, सिर क्या भाव दिए? भाव क्या, बस अशरफी सिर है। कल्लन बोला, हर सिर अशरफी का है? हाँ, हर सिर अशरफी में दोगे? हाँ। कल्लन ने कहा, तो 25 सिर देना। छुटाता सिंह अशरफियां गिनते हुए बोला, बकरी के सिर तो 4-5 ही है, मैं 25 कहाँ से लाऊं? ये 5 हैं, 5 अशरफियां गिनिए, 5 सिर ले जाइए। कल्लन बोला, लेकिन मुझे तो पूरे 25 सिर चाहिए, बकरी के ही सिर हों यह कोई जरूरी नहीं, सौदा तो हर एक सिर का तय हुआ है, ऊपर बरामदे में कितने ही बैठे हुए हैं, पहले उनके सिर उतार कर लाओ, मुझे तो 25 सिर चाहिए। अब कल्लन मियां घबराए, हाथ जोड़ने लगे, माफी मांगने लगे कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी नहीं होगी, चतुरपुर में तो मूर्खता का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, यहाँ की तो हर चीज में चतुराई होती है। खैर मैं क्या जानूं कि तुम मूर्ख भी हो या नहीं, मुझे तो बस 25 सिर चाहिए, 25 सिर पूरे करके दे दो तो मैं परदेसी आदमी अपनी मंजिल तय करूँ। छुटाता सिंह हंसकर बोला। अब तो कल्लन छुटाता सिंह के पांवों में गिर गया, बस बस अब मैं समझ गया, कल जिससे मैंने घोड़ा लिया था आप उन्हीं के दोस्त हैं, आप अपना घोड़ा भी ले जाइए और अपनी अशरफियां भी, मेरी मेरे बच्चों की जान बख्श दीजिए। छुटाता सिंह घोड़ा और 1000 अशरफियां लेकर वापस सराय में लौट गया। तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।